होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बहुत दिनों से मुझे लोग बोल रहे थे कि दीदी आपने इंगेजमेंट का व्लॉग नहीं डाला, और दो तीन लोग और बोल रहे थे, मैं ये नहीं कह रही बहुत सारे बोल रहे थे, बट 10-15 लोग बोल रहे थे कि आप अपना इंगेजमेंट का व्लॉग ज़रूर डालना। तो मैं ज़्यादा नहीं बना पाई थी बिकॉज मैं लेट थी, तो मैंने थोड़ा सा ही बनाया, और जो बनाया वो मैं आपको शो करती हूँ बिकॉज आप लोग इतने दिन से बोल रहे हो। और ये था मेरा वेन्यू, ये था शालीमार बाग में, नियर मेट्रो स्टेशन ऑफ शालीमार बाग। इसका नाम है रॉयल रश। काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छा स्टाफ था, ओनर भी बहुत अच्छे थे, काफ़ी हम्बल फ्रेंडली, और हमारे लिए तो उन्होंने बहुत ज़्यादा पोलाइट नेचर था उनका। आई गेस उनका नेचर ही बहुत अच्छा है। बाकी ये था एंट्रेंस, और ये सुबह सुबह का था जब कोई भी नहीं आया था, बिकॉज मेरा फंक्शन जो था वो था सुबह का, मॉर्निंग का 11:30 से स्टार्ट था, बट करते करते 12 बज ही गए। अब ऐसा तो होता ही है नॉर्मल फंक्शंस में, और मैं भी थोड़ा सा लेट हो गई थी ड्यू टू ट्रैफिक। मैं थोड़ा लेट पहुंची वेन्यू पे। ये हमारा वेन्यू अंदर से ऐसा दिख रहा था, काफ़ी अच्छा डेकोरेशन था और काफ़ी ही डिसेंट था, ऐसा नहीं था बहुत ओवर, और ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल ही फीका, मतलब अच्छा था ये। एंड ये था खाना जो कि भी लग रहा था, स्नैक्स में भी बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ थी। इनका डेकोरेशन और फर्नीचर भी काफ़ी अच्छा था, सब ने तारीफ करी। और 100-150 लोगों के लिए ये वाला जो बैंक्वेट है, दिस इज़ परफेक्ट। इनका नीचे भी है, बट वो नीचे जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों के लिए है, 400-500 लोगों की गैदरिंग के लिए, इसलिए हमने ऊपर वाला करा, क्योंकि हमारे सिर्फ 80 लोग थे, क्लोज फैमिली एंड क्लोज फ्रेंड्स, दैट्स इट। ऐसा नहीं था कि हमने बहुत ज़्यादा लोगों में नहीं रखा, बिकॉज इंगेजमेंट थी तो वो फैमिली में ही होती है। बाकी खाने में भी बहुत ज़्यादा वैरायटीज थी, 16-17 थी ड्रिंक्स, मीठे में भी बहुत 5-6 वो थे। ये है राजीव माई ग्रूम, और ये इसकी एंट्री हो रही है। इनकी एंट्री मैं नहीं देख पाई थी बिकॉज मैं अंदर रेडी हो रही थी, और राजीव काफ़ी नर्वस था, आप उसकी फेस पे देख सकते हो कि वो कितना नर्वस है। और साइड में है जिया जी, प्रभु मेरे भी जिया जी हैं। इनकी एंट्री को मैंने मिस करा था वहाँ पर, और फिर होती है मेरी एंट्री। आप लोग कमेंट में बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ, मुझे रेडी करा था मेरी सिस्टर ने, और पर्पल पर्पल ड्रेस में जो है ईशा, उसने, ये मेरी बहन की फ्रेंड है, और ये दोनों मेकअप आर्टिस्ट हैं और नेल आर्टिस्ट हैं, नेल एक्सटेंशन भी करते हैं। तो अगर आपको कुछ भी कराना हो तो आप इन लोगों को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और ये मैं एंट्री कर रही हूँ, और मुझे पता नहीं था कि राजीव ऐसे आएगा, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि दैट, मतलब मुझे थोड़े बहुत हिंट्स थे, बट आई वॉज नॉट श्योर दैट मतलब ये ऐसे होगा। सो मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो गई, और थोड़ी नर्वस भी थी सारे लोगों को देखकर, बट व्हेन ही केम तो आई फील रिलैक्स्ड एंड हैप्पी, बिकॉज मेरी लव मैरिज है, और आप समझ सकते हो कि इफ़ योर पार्टनर, जो आपका पार्टनर है वो आपकी पसंद का है, सो आप लोग हैप्पी होते हो सभी। एंड वी बोथ वर वेरी नर्वस, हमारी शक्लों पे दिख रहा है, बट हम एक्साइटेड भी थे और हैप्पी भी काफ़ी थे। मेरे तो पूरे 32 के 32 दांत दिख रहे हैं, एंड द वे ही डिड दैट, इट वॉज रियली अमेजिंग, एंड मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी और खुश भी थी। उसके बाद फिर हम लोगों की एंट्री हो रही थी, एवरीवन वाज क्लिकिंग आवर पिक्चर्स। हम दोनों यहाँ पर बात कर रहे थे, मैंने कहा राजीव मुझे रोना आ रहा है, सो राजीव मेरे को लगा बोलेगा रोना क्यों आ रहा है, बट वो उसने मुझे बोला मुझे यार खुद आ रहा है। एंड होता है हैप्पीनेस में आपको रोना आ जाता है जब आप बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हो तब भी। और ये हमारी एंट्री हुई थी, आप कमेंट्स में बताना हमारी एंट्री कैसी लगी, और हम दोनों की जोड़ी भी कैसी लगी। हाउ वी गाइज आर लुकिंग टुगेदर। मैं वहां पर कुछ नहीं बोल पाई बिकॉज मैं ब्राइट थी, तो इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। वी वर टॉकिंग टू ईच अदर, क्योंकि हम दोनों थोड़े से नर्वस थे बट एक्साइटेड थे, इसलिए ये हमारी एंट्री हो गई। उसके बाद हम
हम लोग जा रहे थे स्टेज पे। आपको अच्छा फील होता है बिकॉज वो आपका डे होता है और आप दोनों काफी हैप्पी होते हो, जो भी ब्राइड ग्रूम होते हैं। और ये जो फीलिंग होती है ये आपको तभी ही फील होती है कि ऐसा भी होता है, उससे पहले तो आप नॉर्मल ही रहते हो। बट आई वॉज रियली हैप्पी कि फाइनली मेरी इंगेजमेंट हो रही है, और इतने टाइम से हम इसकी प्रिपरेशन कर रहे थे, इतनी शॉपिंग्स, मार्केट जाना आना, एंड फाइनली इट्स हैपनिंग। सो इट वॉज रियली रिलैक्स्ड एंड हैप्पी मोमेंट फॉर बोथ ऑफ अस। मैंने जो अपना लहंगा लिया था वो लिया था ड्रेस लाइक सेलिब्रिटी से, और हाँ मैंने रेंट पे लिया था बिकॉज मुझे इतना ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने थे। बट मुझे रेंट पे पड़ा 15,000 का, एंड इट वाज नाइस एक्सपीरियंस ड्रेस लाइक सेलिब्रिटी में। मैंने और भी जगह देखी थी बट वहाँ ऑलरेडी बुक्ड हो गया था, इसलिए मुझे वहीं से लेना पड़ा। एंड राजीव ने भी लाजपत नगर से लिए अपने कपड़े, हम दोनों ने शॉपिंग लाजपत नगर से करी थी। और ये हमारे एक रिचुअल होता है, तिलक का टीका लगता है, भाई टीका लगाते हैं। और ये मेरे मामा हैं, मेरे मामा स्पेशली 3.5 साल के बाद इंडिया आए हैं मेरी इंगेजमेंट के लिए। और ये मेरी नानी हैं और ये मेरे मामा हैं। और ये मेरे मामा के फ्रेंड्स हैं जो स्पेशली हमारी इंगेजमेंट देखने आए थे, इन्होंने भी हमारा व्लॉग बनाया था, इनके फ्रेंड ने। और ये है राजीव की रियल सिस्टर एंड जिया जी, दे वर ऑल्सो वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। इन दोनों ने भी ट्विनिंग करी है। और ये है मेरी फैमिली, मेरी मम्मी और मेरे भाई बहन उज्जू और गुन्नू, इनका नाम है हिमानी एंड उज्जवल। मेरी मम्मी और मेरे भाई बहन ने भी सेम कपड़े पहने हैं, और कोइंसिडेंटली सबकी जो थीम थी वो ऐसी पिंक हो गई थी, बस हम दोनों ही डिफरेंट थे। और ये लोग भी बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। माई फैमिली रियली लाइक राजीव लॉट। पोस्ट करने के लिए हमें वो बोल रहे थे। और ये है राजीव की फैमिली, मम्मी पापा, राजीव की रियल बड़ी सिस्टर, छोटी सिस्टर और जिया जी, एंड ये दीदी का बेटा छोटा वाला। इन्हें ट्विन्स हैं बट एक सो गया था। और इनके यहाँ ये रिचुअल होता है कि ये लोग मुझे ऐसे चुन्नी पहनाएंगे, हमारे यहाँ नहीं होता बट इनके यहाँ होता है, एंड ये भी काफी प्यारा मोमेंट था। मेरे मुझे गिफ्ट दे रहे थे, और मेरी फैमिली और राजीव की फैमिली ये गिफ्ट एक्सचेंज हो रहे थे। ये है राजीव की दीदी के बच्चे जो मैं बता रही थी, ट्विन्स हैं, दोनों एक जैसे दिखते हैं, इनका नाम है गोलू मोलू। ये दोनों भी बहुत एक्साइटेड थे, इन्होंने भी ट्विनिंग करी थी। ये है मेरी सिस्टर और राजीव की सिस्टर मोनी, सरिता दी और गुन्नू हिमानी। ये था हमारा रिंग का प्लेटर, और ये मैंने ऑर्डर करा था अमेज़न से, काफी प्रिटी था ये। और ये
और फाइनली आर रिंग सेरेमनी टाइम, एंड मैंने गलती से उल्टा दे दिया था पहले। सब बहुत तेज से चिल्ला रहे थे, फ्लावर्स फेंक रहे थे, बट ये भी बहुत स्पेशल मोमेंट था। लाफिंग। फिर हमने केक कट करा और केक था हमारा केक प्लाजा से, और इनका जो केक था वो काफी अच्छा था और ऑन टाइम था, डिले नहीं था और काफी सुंदर डेकोरेटेड भी था। अगर आप लोग भी रिंग सेरेमनी या फिर वेडिंग के लिए केक्स देख रहे हैं या फिर कोई भी ओकेजन के लिए, तो आप केक प्लाजा से ऑर्डर कर सकते हो, काफी अच्छे हैं, क्वालिटी है इनकी। यहाँ पर हम लोग जो फोटोग्राफर बोल रहे थे वो कर रहे थे, फिर यहाँ इन लोगों को शैम्पेन वो करनी थी। हमने केक कट करा और सबको खिलाया, सबको तो नहीं क्योंकि बहुत सारे लोग थे, मतलब फैमिली को, राजीव और मैंने अपनी अपनी फैमिलीज को। पहले हमने एक दूसरे को खिलाया, इनने बहुत तेज ऐसे मेरे को तो हंसी भी आ रही थी। राजीव काफी जल्दी में रहते हैं, आप तो देख सकते हो। ही वॉन्ट्स एवरीथिंग परफेक्ट और वो हर चीज में बहुत ज्यादा पंक्चुअल है और उसको सब कुछ परफेक्ट चाहिए। ये है मेरे इन लॉज, माय मदर इन लॉ एंड माय फादर इन लॉ। फिर हमने करा टोस्ट। हम दोनों ही ड्रिंक नहीं करते हैं और एल्कोहल कंज्यूम नहीं करते हैं, बट इट वॉज जस्ट फॉर टोस्ट। इन दोनों को आपने हमारे दो व्लॉग्स में देखा ही होगा कि तो फिर इन लोगों ने करा डांस। फिर हमने करा टोस्ट और हम दोनों ही ड्रिंक नहीं करते हैं, इट वॉज जस्ट फॉर टोस्ट। एंड इन दोनों को आपने देखा ही होगा हमारे लास्ट टू ब्लॉग्स में, अमन एंड कृतिका, इन्होंने फिर करा डांस। राजीव और सबने धीरे धीरे परफॉर्मेंसेस करी एंड बहुत इंजॉय करा। इन दोनों की डांस की रील बहुत ज्यादा वायरल गई, आप इंस्टाग्राम पे जाकर देख सकते हो, 5.6 या 7 मिलियन व्यूज हुए हैं उस पे, 1000 कमेंट्स हुए हैं और बहुत लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया है इस वीडियो को। आप लोग और चीजों के लिए मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर देख सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम है मेघना TS नेगी, और वैसे है Megs1999। और ये है राजीव की बड़ी सिस्टर और ये इनकी मासी की लड़की, इन दोनों ने भी बहुत प्यारा डांस करा था। बाकी मैंने डांस की वीडियोस अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे डाली हुई है इंडिविजुअली, अगर आपको डांस देखना हो तो, क्योंकि फंक्शंस में सबको लगता है कि इजी स्टेप वाला डांस देख लें। सो इफ यू वांट टू वॉच यू कैन चेक इन माय चैनल। सबने काफी अच्छा डांस करा, ये दोनों भी बहुत क्यूट लग रही थी। और ये है मेरी मासी एंड राजू की कजन अंजलि दी, इन दोनों ने भी डांस करा था। सब काफी एंजॉय कर रहे थे। और ये है राजीव के डांस और दामाद जी, ये है मेरी मासियां, मेरी मामी एंड मेरी मम्मी। फिर हमने खाया खाना, मैं बहुत ज्यादा ही भूखी थी क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया था, सब कुछ हो गया, फिर एंड में हम सबने फैमिली के साथ खाया खाना। और ये मेरे मामा के फ्रेंड्स थे जो स्पेशली सर्बिया से आए थे, एंड इन लोगों ने भी व्लॉग बनाया है एंड बहुत ज़्यादा अच्छा
अच्छा लगा हमें, ये भी बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। और हमारे यहाँ रिचुअल होता है, गेस्ट को टीका लगाते हैं और लिफाफे देते हैं, लिफाफे देते हैं। ये हमारे फ्रेंड्स थे। और एंड में हम दोनों का हो रहा था फोटोशूट, बहुत देर का फोटोशूट होता है, कपल्स थक जाते हैं क्योंकि बहुत कुछ करना पड़ता है फॉर गुड फोटोज, जो पोजेज वो बोलते हैं वो करने पड़ते हैं। इट वॉज रियली नाइस एंड वी वर रियली हैप्पी एंड थैंक यू जिस जिसने भी बहुत विश करा। मैंने अपने इंस्टाग्राम यूट्यूब पे देखा, सबने कंग्रेचुलेशंस लिखा। सो आई एम रियली ग्लैड कि आप सबने हमें अच्छे विशेस करें। और अगर आप लोगों को मेरा चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। और अब मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालती रहूँ। और ये था हमारा लास्ट शूट एंड वी वर रियली टायर्ड, हम बहुत ज़्यादा ही थक गए थे। आप देख सकते हो हमारी शक्लों के 12 बज चुके हैं और हम थक चुके हैं, बट एक्साइटमेंट में आप नहीं थकते हो उतना क्योंकि आप खुश इतना होते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर माई चैनल मेघना नेगी। थैंक यू सो मच।